अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड किचन 92। मैं हूँ मेरुकैया और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ज़बरदस्त ठंडी ठंडी सी चीज़ जो गर्मी में खाने में बहुत ही मज़ा देगी। ये है आइसक्रीम केक। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत डिलिशियस बनती है। आप लोग एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। कमेंट सेक्शन में फिर बताइएगा आकर कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। यहाँ पर मैंने 2 पैकेट बिस्किट लिया है। मैंने अपने पसंद का लिया था चॉकलेट बिस्किट लिया था। आप कोई सा भी बिस्किट ले सकते हैं जो आप प्रेफर करें। मैरीगोल्ड बिस्किट भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। ज़रूरी नहीं कि इसमें कोई एक ही बिस्किट डालना हो मेरी पसंद का, आप अपनी पसंद का डालिए। सारे बिस्किट तोड़ लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम मिला देंगे चॉकलेट सिरप। ये देखिए, बहुत ही ईजी सी रेसिपी और बहुत जल्दी बन जाती है। देखिए, इतना डालना है कि आपका जो चॉकलेट बिस्किट्स है या जो भी आपने बिस्किट लिया है वो अच्छी तरीके से चॉकलेट से कवर हो जाए। मैंने 4 से 5 टेबल स्पून जितना अंदाजे से डाला होगा। ये देखिए, अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम एक ठंडा सा बाउल लेंगे। मैंने बड़ा वाला बाउल जो है ये फ्रिज में रख दिया था ठंडा करने के लिए। और ये मैंने ले ली है बिल्कुल ठंडी ठंडी सी व्हिप्ड क्रीम। ये देखिए, दोनों चीज़ें हमें ठंडी लेनी है, किसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। थोड़ी सी हमने क्रीम ले ली है, आप अपने अंदाजे से लीजिए। इसमें मैंने थोड़ा मेजरमेंट नहीं किया था, मैंने अंदाजे से डाला था। उसके बाद हम इसे व्हिप कर रहे हैं, आप हाथ से भी कर सकते हैं। ये देखिए, सिर्फ 2 मिनट मैंने व्हिप किया है और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क। मैंने 2 टेबल स्पून जितना कंडेंस्ड मिल्क डाला था, ये होममेड कंडेंस्ड मिल्क है। उसके बाद भी हम इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए फेंट लेंगे। आप इसे हाथ से ही व्हिप कर सकते हैं। इसमें हमें केक जैसा वो बिल्कुल नहीं चाहिए कि बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाए फॉर्म जैसा, वैसा नहीं करना हमें। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जेली पाउडर। यहाँ मैंने रसबेरी जेली पाउडर लिया है। ये देखिए, इसे डालना है हमें 5 टेबल स्पून। मैंने 3 टेबल स्पून डाला था तो थोड़ी सी मेरी जो आइसक्रीम केक है वो लेट जमी थी, 8 घंटे में जमी थी। तो आप 5 टेबल स्पून डालिए, थोड़ा जल्दी जम जाएगी। आपको खाने में ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि टेस्टी चीज़ देखने के बाद वेट करना मुश्किल हो जाता है। फिर हम इसे हल्का सा मिला लेंगे। ये देखिए, बस 10 मिनट टोटल हमने सब कुछ मिलाने के बाद इसको मिलाया है टोटल। उसके बाद अब हम एक बाउल लेंगे जिसमें भी आपको जमाना होगा। मेरे पास गोल शेप का, राउंड शेप का बाउल था। अगर आपके पास कैसा भी बाउल हो, राउंड में काटने से केक को शेप करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, पर मेरे पास अभी यही अवेलेबल था। तो जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो आप वो यूज़ करिए। नीचे पहले चॉकलेट की लेयर लगा दीजिए, उसके ऊपर जो हमने क्रीम रेडी की थी व्हिप्ड क्रीम वो लगा दीजिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा जो मैं समझाना चाह रही हूँ। बहुत ईजी सी रेसिपी है, बहुत आराम से आप लोग समझ जाएंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा इसके अंदर चॉकलेट जैम्स डाल देंगे। ये देखिए, बहुत ही ईजी सी और बहुत जल्दी सी बन जाती है ये। उसके बाद जो बचा हुआ हमारा ये बिस्किट और चॉकलेट का जो ये सिरप का हमने मिक्स किया था वो हम दोबारा से डाल देंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर फिर से क्रीम डाल देंगे। ये देखिए, उसके बाद फिर से हमने जैम्स डाल दिया है क्योंकि ये मुँह में आती है, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत अच्छा लगता है, क्रंची क्रंची सा थोड़ा। उसके ऊपर हमने डेकोरेट कर दिया चॉकलेट सिरप से। और अब हमने इसको 8 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर दिया था। आप लोग अगर 5 टेबल स्पून जितना जेली पाउडर डालोगे तो आपको 5 घंटे लगेंगे, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से ध्यान से जेली पाउडर डालिए और जमाइए इसे। मैं इसको कट कर लेती हूँ। अब देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, राउंड शेप का बाउल है तो इसे काटने में दिक्कत हो रही है, इस वजह से मैं थोड़ा शेप में नहीं दिखा पाई डिश आउट करते टाइम, उसको सर्व करते टाइम। तो आप लोग जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो अब करिए। अब क्योंकि क्वारंटाइन है तो जो भी हमारे पास अवेलेबल रहेगा वही हम यूज़ करेंगे, तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से कीजिए। और इसे हम ठंडा ठंडा सा सर्व करते हैं और इतना यमी बना था गाइस, इतना यमी, बहुत ही डिलीशियस था। देखो, मेरा भाई बोल रहा है मुझे नहीं पता मुझे किससे खाना है, वही दिखा रहा था ये, और ये सबसे पहले उसने खाया था।
और मेरे घर में सबको बहुत पसंद आया था। आई होप आपके घर में भी रेसिपी पसंद आएगी। बहुत ईजी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए इस गर्मी, रमदान में भी ट्राई कीजिए। अगली रेसिपी मिलती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी।